कई 2019 में एंड गेम में फेज 3 की आखिरी मूवी में हमें आरडीजे आखिरी बार शायद देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। और जो कॉन्ट्रैक्ट उनका मार्वल के साथ था, जिसके तहत वो टोनी स्टार्क और आयरन मैन का किरदार प्ले करते थे, तो ऐसे बहुत सारी फैन थ्योरीज हैं जो कि ये सजेस्ट कर रही हैं कि आयरन मैन बस आखिरी बार हमें एंड गेम में नजर आएगा। और ऐसी और भी थ्योरीज हैं जो कि सजेस्ट कर रही हैं कि आयरन मैन का कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हो रहा है और वो हमें आगे तक दिखाया जाएगा। वेल, ये तो हमें मूवी में ही देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे एंड गेम में टोनी स्टार्क का आखिरी दिन हो सकता है या आखिरी मूवी हो सकती है और उसकी स्टोरी को यही खत्म किया जा सकता है। तो इन्फिनिटी वॉर का एंड भी कुछ इसी तरीके से हुआ था कि फैन समझ ही नहीं पा रहे थे कि टोनी सर्वाइव भी कर पाएगा या नहीं और आगे उसके साथ क्या होने वाला है। और टोनी स्टार्क के किरदार को कुछ ऐसे बिल्डअप किया गया है कि वो अब उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां पे वो खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर देगा, क्योंकि अब वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता जहां पे लोगों को मुसीबत झेलनी पड़े। रॉबर्ट डोनी जूनियर ने भी यही कहा है कि अब वो आगे आयरन मैन का किरदार नहीं प्ले करने वाले और फेज 3 यहीं खत्म हो जाएगा। जैसे कि हर फेज हमें एक नए इवेंट की ओर लीड करता है और लास्ट में कोई नया विलेन मारा जाता है, तो वैसे ही MCU अपने सारे पुराने सुपर हीरोज को यहीं लीव कर रहा है और नए सुपर हीरोज और नए कैरेक्टर को दिखाया जाएगा फेज 4 में। तो फेज 4 के लिए तैयार हो जाइए और RDJ को बाय बाय कह दीजिए। बेशक ये बहुत बुरी खबर है मार्वल फैंस के लिए और इस खबर से मैं भी काफ़ी दुखी हूँ। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आयरन मैन की डेथ होगी या फिर नहीं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।